आज का सीन ये है कि आज हमारी जो है वो अपॉइंटमेंट है वैक्सीन के लिए, और एज़ यूजुअल हमारी जलालत घर से ही शुरू हो गई क्योंकि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। सो अभी हम पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवा ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर। सो हमें पहले जाना होगा जोहर बारू, जोहर बारू जो कि एक स्टेट है मलेशिया की, और दूसरे नंबर पर मेरा ख्याल है ये बड़ी स्टेट है दूसरे नंबर पे। और ये तो ये जो है उसने अपना पता नहीं क्या चिकू सा पहना हुआ मुंह पे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ये इसलिए चल रही है कि हमने अपने जो विंडो के शीशे हैं वो नीचे किए हुए हैं। एज़ यूजुअल हमारी जो गाड़ी है उसका जो है ना बैटरी, उसका मसला आ रहा था इसलिए एसी बंद किया हुआ था। ये बहुत प्यारी जगह है, और जब मैं मलेशिया में नया आया था तब ये उन्होंने बनाना शुरू किया था, और मेरे होते हुए ये दोनों जो बिल्डिंग है वो ये बनी है। और अभी हमारे जो बाल हैं ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हम जंगल में पहाड़ों में पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, लेकिन हम बैठे गाड़ी में ही हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बैरियर, इसके जो पीछे वाला एरिया ये सारा सिंगापुर का है। इसके पीछे जितना भी एरिया है वो टोटल सिंगापुर का है, और ये जो बैरियर है उन्होंने इसलिए लगाए हैं कि अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती हैं, यानी वो टारजन बनने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, और नीचे जो लोग होते हैं बेचारे वो बेमौत मारे जाते हैं बिना किसी कसूर के। वो तो अपने नीचे होते हैं और ऊपर से ऐसे आती है गाड़ी जैसे बुरा वक्त आता है, और वो उनके लिए बुरा वक्त ही होता है जिनके ऊपर जाके गाड़ी गिरती है। चलो हमारा भी सफ़र जो है कंटिन्यू है, और अभी कुछ देर और ये आ गया जी सिंगापुर। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि वुडलैंड, वुडलैंड सिंगापुर को ही कहते हैं यहाँ पे। और उन्होंने बताया कि जो नीचे सड़क है ये सिंगापुर को जाएगी, और ये जो ऊपर सड़क है ये जाएगी जोहर बारू को। सो हमें सिंगापुर जाने का तो दिल बहुत है, लेकिन ये हमें बिल्कुल नहीं जाने देते बगैर वीज़ा के। अभी एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, सो हमें अभी कोई चीज़ भी नहीं मुहैया हो सकती ना। ये जो बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बस ये खूबसूरती है मलेशिया की और दूसरे कंट्रीज़ जी क्यों कंट्रीज़ की, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उनका रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। सो जो भी काम होता है वो पैसे के साथ होता है, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और पाकिस्तान में भी इस तरह खूबसूरती हो, प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हो, विजिटर जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ, और हम लोग जो हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो भी अपनी कंट्री में जाएं तो और बेहतरीन रिज़्क मिले अपने मुल्क में। क्योंकि जो भी मुल्क है वो जिस तरह का भी है, जितना भी खूबसूरत है, लेकिन वो अपने मुल्क जैसा नहीं होता। जो सुकून, जो प्यार अपने मुल्क में है वो किसी और कंट्री में नहीं आपको मिल सकता, चाहे आप जितने भी लाख उधर कमाते हो। अभी हमारा काफ़ी सफ़र पड़ा हुआ है, तो यार क्या करें समझ नहीं आ रही। तो हमारी जो गाड़ी है वो भी तंग कर रही है कुछ, उसकी फीलिंग जो ख़राब हो रही है। उसको भी पता है कि हमारी एक महीने के बाद अपॉइंटमेंट आई है, तो उसका भी दिल करता है कि उनको वैक्सीन ना ही लगे। सो वो भी थोड़ा थोड़ा तंग कर रही है, लेकिन बेटा हमने जाना तो है ही है, चाहे तुम्हें कंधों पर उठा के लेके जाएँ, जाएँगे हम जाएँगे। यार एक चीज़ मैंने नोट की है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें आपको ट्रैफिक जैम नहीं नज़र आती, क्योंकि उनका जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने मेंटेन इस तरीके से किया हुआ है कि जितने भी ज़्यादा होगा गाड़ियां वगैरह, लेकिन आपको रश नज़र नहीं आएगा। हालांकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान में तो अभी इतनी गाड़ियाँ है ही नहीं है, यहाँ पर एक घर में जितने लोग हैं उन सब की अलग अलग गाड़ी होगी, तो आप हिसाब लगा लें कि कितनी गाड़ियाँ इधर, लेकिन आपको रश नज़र नहीं आएगा। बहुत कम जगह जिधर आपको रश नज़र आएगा, अदरवाइज आपको रश वगैरह नहीं नज़र आएगा। सो ये उनका जो सारा तरीकाकार है वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ ट्रैफिक को, कि किस तरह रोड्स वगैरह बनाने हैं। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है किसी भी कंट्री की तरक्की में, ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि उनका जो ट्रैफिक रूल है वो किस तरह का है, कि एवरी टाइम उधर रश तो नहीं होता। अगर आपने एमरजेंसी कहीं जाना है तो ये ना हो कि आप रश में फंसे रहें और आप जिधर जा रहे हैं वहाँ से लेट हो जाएँ। इंतज़ार के घड़ियाँ ख़त्म हुई, अपने लेफ़्ट साइड पे देखें, आंखें खोलें और सिंगापुर का नज़ारा करेंगे। जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये सिंगापुर की हैं जी, बिल्कुल ये सिंगापुर की बिल्डिंग्स हैं, और हम जो हैं हम मलेशिया में हैं। हम मलेशिया में रह के दोनों मुल्क का नज़ारा ले सकते हैं सिर्फ आँखों से, उधर जा कर नज़ारा बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये जो दो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं बड़ी, ये उनका इमिग्रेशन सेंटर है। इसके आगे आएंगे आपको मैं बताता हूँ। ये जो है जो थोड़ी सी स्लो बनी हुई है ये उनकी इमिग्रेशन है, यहाँ से आपको वीज़ा वगैरह जब आप जाएंगे तो वो स्टैंप लगाएंगे और इधर से आपको एंट्री मिलेगी। जोहर बारू का और सिंगापुर का आप इतना ही फ़र्क समझ लें कि 10 मिनट का रास्ता है सिंगापुर का, और जोहर बारू का 10 मिनट का रास्ता है। लोग रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल वीज़ा है, सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रोज़ आते हैं और रोज़ जाते हैं। और यहाँ के रोड बड़े स्मूथ है यार, बिल्कुल ऐसे गाड़ी चलती है, चाहे आप 100 के जाएँ नो प्रॉब्लम।
तो रोड भी बड़ी चीज़ है, रोड अच्छे होने चाहिए फिर ही आपको सफ़र का पता नहीं चलता, चाहे आपका सफ़र ज़्यादा भी हो। ये जो इनका एरिया है, ये उनका विजिटिंग एरिया है, सो इसलिए उन्होंने इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये मेन सिटी है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जो विजिटिंग के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे डेकोरेटेड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, दरख्त वगैरह क्लीन एवरीथिंग। तो इसको उन्होंने सजा कर रखा है। ये स्टेडियम है उनका, फुटबॉल का स्टेडियम है, जोहर फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ पे उनके मैचेस वगैरह होते हैं। फुटबॉल ये लोग ज़्यादा खेलते हैं, और एक वॉलीबॉल की तरह गेम है, वो टांगों के साथ खेलते हैं, वो खेलते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत इलाका है, इसका नाम है डंगा बाय। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विजिटर आते हैं क्योंकि ये बीच के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ से आप खड़े होकर बिल्कुल सारा नज़ारा देख सकते हैं सिंगापुर का। मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी जो है तंग कर रही है, वो नहीं चाहती हमें वैक्सीन लगे, और उसने अपना काम दिखा दिया और बंद हो गई। और उसको हमने किसी भी तरीके वर्कशॉप के ऊपर ले गए, और उसको बोला कि इसको कोई टीका वगैरह लगाओ, इसको टीका लगेगा तो हमें टीका लगेगा। मैं और तोहीद ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। वो मिसाल है पंजाबी में गुआची गां, वो वाला हमारा साहब हुआ, बस हम कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, और विक्ट्री ऐसे बना रहे हैं जैसे पता नहीं हमने कि उनसे मार का मार लिया है। ये है जी वैक्सीनेशन सेंटर, और मुझे नहीं था पता कि यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं। सो ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है, ये मैंने चोरी बनाई है, इसलिए ये वीडियो अच्छी नहीं बनी। जब नेक्स्ट दूसरी डोज लगवाने जाएंगे तो आपको अच्छे से विजिट कराएंगे, अभी फ़िलहाल इधर इतना ही देख के गुजारा करें। बहुत अच्छा निज़ाम था, बहुत सख्ती थी। ये आगे जी तुहिद की बाजू, इसको भी वैक्सीन लग गई है, और ये कह रहा है विक्ट्री का निशान बना दिया। और ये मेरा बाजू, मुझे भी वैक्सीन लग गई है, और हम विक्ट्री का निशान ऐसे बना रहे हैं जैसे हमने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है। लो जी वापसी का सफ़र हो गया शुरू, तो ये चलो करो विक्ट्री का निशान। ओके शाबाश, तुम भी करो। ओके वेरी गुड। चलो जी अभी घर की तरफ रुआ दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहली जो डोज़ है वो कम्प्लीट हो चुकी है हमारी, और अभी हम घर पहुँचे हैं, और साथ में बारिश आ गई है, मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है। तो अभी देखते हैं कि कैसी है और यह क्या सलूक करती है हमारे साथ। सुना कि ये बुखार भी करती है 2 दिन, और दर्द वगैरह भी होता है, तो फिर हम आपको इसका रिव्यू देंगे लेकिन 2 दिन के बाद। पहले देखेंगे कि क्या सीन है इसका, कुछ इसका असर है भी है या जस्ट अफवाह है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू।